जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फेयर कॉइन इज टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स, एट लीस्ट टू हेड्स, एट मोस्ट टू हेड्स. एग्जैक्टली टू हेड्स का मतलब यहाँ पर आपका क्या हो गया, देखो यहाँ पर आपको, यानी कि यहाँ पर आपको n कितना है, कितने कॉइन टॉस किए हैं आपने, थ्राइस, तो n हो गया आपका 3. और ये भी याद रखना हमेशा, n हमेशा या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा x से, x मीन्स जो स्मॉल x, ठीक है. और एग्जैक्टली टू हेड्स मीन्स मैंने बताया था कि सक्सेस आना आपके लिए क्या है, हेड आना. तो x कितनी बार सक्सेस, हमने कहा कि हमने कितने हेड चाहिए, दो, तो x स्मॉल x क्या हो गया, 2, ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कॉइन पे, 1/2, और फेलियर क्या है, क्यू क्या हो गया, 1/2. तो ये सारी चीज़ें आ गई, आप यूएस फॉर्मूले में डाल दो. फॉर्मूले में डाला तो क्या बन जाएगा, एन सी एक्स क्यू एन माइनस एक्स पी एक्स, यानी कि 3c2 1/2 की पावर 1, क्योंकि क्यू क्या मतलब है एन माइनस एक्स, तो 3 - 2 1 - 1/2 और क्यू की पावर पी की पावर एक्स, तो यानी कि 2. ये आप सॉल्व कर लोगे, आपको आता है, ये पिछली बार भी किया था. 3c2, अच्छा ये चीज़ अगर नहीं सॉल्व करनी आती है तो मैं बता देती हूँ, मैं फिर से देख लो अगर याद ना हो तो. 3c2 मतलब कैसे करते थे हम, जैसे 3c2 मीन्स कैसे करते थे, 3 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल यानी कि जो नीचे है, और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1 फैक्टोरियल. तो ये कितना हो गया, सॉल्व कैसे करते हैं, 3 मतलब इसको कहाँ तक लेकर जाते हैं, नीचे वाले जो आपके डिनोमिनेटर में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज 2 ज़्यादा है, बड़ी वाली वैल्यू है, 3 को हम 2 तक खोल देंगे, 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 factorial × 1 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल, 3, 1 फैक्टोरियल इज 1 ओनली, तो वैल्यू आ गई 3, ठीक है. तो यहाँ आपका हो गया एटलीस्ट टू हेड्स का मतलब क्या हो गया, 2 और 2 से ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है. तो अब आपको पता है n आपका कहाँ तक है, n कितना है, 3, तो आपकी जो x की वैल्यू वो क्या क्या हो जाएगी, 2 और 2 से बड़ी, और हम कहेंगे बड़ी कितनी, हम 2 से ज़्यादा वाली वैल्यू कितनी जाएगी, आपका मैक्सिमम वैल्यू n तक कितनी है, 3, तो 2 को आप ज़्यादा कहाँ तक ले जा सकते हो, 3 तक. तो आपकी x की वैल्यू इस वाले केस में क्या बन जाएगी, 2 और 3, ठीक है. आप n से ज़्यादा तो नहीं ले सकते ना वैल्यूज, तो 2 या 3, ठीक है. और वही p और q तो सेम रहेगा. एट मोस्ट टू हेड्स मतलब लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी कि x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, 1, 0 भी आता है हमेशा, 1 और 2. तो ये तीनों चीज़ आपको लेकर चाहिए, या तो आप ये भी कर सकते हो इसमें, नहीं करना ही पड़ेगा, 0, 1 और 2, ठीक है. तो आपको जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है, ये हो जाएगा एटलीस्ट 2h और 3h, ये हमने करा है यहाँ पर, यानी कि आप यानी कि x यहाँ पर आपने लिया 2 और x लिया यहाँ पर आपने 3, तो दोनों कैसे लिया, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इसमें मतलब हो गया लेस देन 2, तो मैंने बताया था 0, 1 और 2. अब इसमें या तो आप 0 को भी निकालो, 1 का भी निकालो, 2 का भी निकालो इस टाइप से, ठीक है. या फिर हम ये भी कर सकते हैं, टोटल हम अगर मान लो हम 1 में से माइनस कर दे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का, कि तीनों ही कॉइंस पर हेड आया, क्योंकि सिर्फ वही केस बच गया ना यहाँ पर 3 वाला. तो मैं कह रही हूँ, मेरे को अगर मान लो देखो ये चीज़ होती है, या तो आप इनका इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो तीनों की अलग अलग करके, या फिर मैं क्या कह रही हूँ, इसकी सिर्फ एक की निकाल कर और मैं 1 में से माइनस कर देती हूँ, ताकि थोड़ा शॉर्ट में पड़े, थोड़ा शॉर्ट हो जाए कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, मतलब कि 1 में से मैंने प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी इस वाले केस की जिसको मैं एक्सक्लूड करना था, ठीक है. तो 1 - 3h प्रोबेबिलिटी ऑफ 3h हो जाएगा आपका. या आप वैसे भी कर सकते हो 0, 1, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि 0 का अलग से निकाल लो, 1 का अलग से, 2 का अलग से, और इन तीनों केसेस को ऐड कर दो, ठीक है. ये हो जाएगा आपका इस टाइप से क्वेश्चंस है. एक दो क्वेश्चंस और अगर ट्राई करके देखना. जैसे कि क्वेश्चन देखो, इफ 8 ships आउट ऑफ 10 ships, तो यहाँ पर पहले लिख लिया करो, ये क्या हो गया आपका, यहाँ आपका एन यहाँ पर नहीं आवेल, तो इफ 8 ships अराइव सेफली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 वुड अराइव सेफली आउट ऑफ 5 ships सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है. तो यहाँ पर आपके हम कह रहे हैं कि अगर हम 8 में से 10 ships अराइव करती हैं सेफली, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी हो गई कि हम कह रहे हैं कि आपकी अगर 10 ships आप अगर डालते हो, अगर एक कुछ भी है, अगर क्वेश्चन में वगैरह सी में कुछ भी है, तो वहाँ पर आपकी ships जो उसमें से आती है उसकी प्रोबेबिलिटी वापस सेफ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उनकी, 8. तो प्रोबेबिलिटी हम क्या कह देंगे ऑफ सेफ अराइवल ऑफ अ शिप इज 8/10, दैट इज 4/5. क्यू क्या हो जाएगा शेप सेफ ना आने की,
वन माइनस 4/5 दैट इज 1/5, ठीक है। अगर हम इन्होंने बोला कि टोटल आपने आउट फाइव शिप्स निकाली हैं, यानी कि एन कितना हो गया 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन मतलब क्या हो गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 5 तक लेके जाएंगे क्योंकि आपका एन क्या है यहाँ पर 5, तो मैक्सिमम हम कहाँ तक लेके जाएंगे अपने स्मॉल एक्स को, एक्स क्या होगा स्मॉल एक्स 1, एट ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 मतलब 1, 2, 3, 4, 5। अब या तो आप ये सारी प्रोबेबिलिटीज निकालो 1, 2, 3, 4, 5 सबके अलग अलग निकालो, सब में वो बायनोमियल वाला फॉर्मूला लगाओ, या फिर हम क्या कर सकते हैं 1 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ये उसमें भी करा था हमने प्रोबेबिलिटी में, जब भी एटलीस्ट वाला केस आए तो उसमें क्या करा करो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन मतलब x की जब आपने 0 है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना एटलीस्ट 1 होना चाहिए यहाँ पर, अगर एटलीस्ट 2 या कुछ होता तब आपका केस डिफरेंट होगा, अगर एटलीस्ट 1 मतलब 1 माइनस नन, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 अगर माइनस कर दोगे आप, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस कर दोगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी, ये आपने सॉल्व, ठीक है। इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, नहीं समझ में आते तो कल क्लास में पूछ लेना, ये इतना ही करेंगे आज, नेक्स्ट मैं बताती हूँ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला मैं क्लास में करवा दूँगी कल 15th एग्जाम्पल, कि इसमें आपको n निकालना है, यहाँ पे दिया नहीं होगा, यहाँ पे आपको खुद से निकालना, तो ये मैं कल क्लास में करवा दूँगी।